हाय फ्रेंड्स, मैंने स्नैपडील से ये ऑर्डर मंगवाया है। ये ऑर्डर आज आ चुका है, तो मैं इसे आप लोग के सामने खोल कर दिखाती हूँ कि इसमें क्या आया है, क्या प्रोडक्ट मैंने मंगवाया था और क्या प्रोडक्ट मुझे स्नैपडील में ने भेजा है। तो आप भी हमारे साथ देखिए कि प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं। देखिए, ये मैंने प्रोडक्ट निकाल दिया है। ये इस तरीके से देती हूँ, ये बिल्कुल इस तरीके से पैक होकर आया है। इसकी पैकिंग की बात करें तो ये पैकिंग मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि आप देख सकते हैं ये पैकेज इधर से ये खुल रहा है इस तरीके से, और इधर से भी ये बस इन्होंने इसमें बबल पे प्लास्टिक जो है इसके अंदर इन्होंने ये रैप कर दिया है। और यहाँ पे ये जस्ट एक सेलो टेप करा है। ये देखिए हमारे प्रोडक्ट्स, इसमें देखिए इन्होंने मुझे क्या भेजा है, क्या भेजा है। ओह माय गॉड, इतने सारे काजल। तो मैं बात करती हूँ इसके इस प्रोडक्ट में, इसमें लैकमे की आइकॉनिक काजल है। ये आप देख सकते हैं, ये एक लैकमे की आइकॉनिक काजल है। ये कॉलोसर की काजल ये है 24 आवर्स, और ये सुपर ब्लैक कॉलोसर की ही, कॉलोसर की ये सुपर ब्लैक है। एंड देन ये देखिए ये है लॉरियल पेरिस काजल मैजिक, इसका सुपर ब्लैक है ये भी, एंड अगेन सेम वन। ये प्रोडक्ट ये डबल टाइम उन्होंने दिया है, ये दो सेम प्रोडक्ट्स उन्होंने दिया है, जबकि उन्होंने जो अपने साइट पे दिखाया था वो ये बोल्ड था, नॉट अगेन अ सुपर ब्लैक, इट्स बोल्ड। लॉरियल पेरिस की ही बोल्ड काजल थी वो, बट उन्होंने मुझे दोनों ही सुप्रीम ब्लैक दिया है। एंड साथ में ये बेबी लिप्स है, आप देख सकते हैं। मुझे फ़िलहाल पता नहीं कि ये सारे प्रोडक्ट्स कैसे हैं, ओरिजिनल हैं क्या हैं नहीं हैं, बट ओरिजिनल ही लग रहे हैं मुझे तो, देखते हैं। बट उन्होंने बस एक मिस्टेक ये करी है कि ये बोल्ड की जगह मुझे एक और सुप्रीम ब्लैक इन्होंने मुझे प्रोवाइड करा दिया है, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा कि उन्होंने मतलब मुझे दिखाया क्या और भेज क्या रहे हैं। तो ये कुछ भी दिखा रहे हैं, कुछ भी भेज रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये प्रोडक्ट जो उन्होंने मुझे ऐसे ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि उन्होंने मुझे भेजे हैं। और ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं सेल में मैंने लिए थे, और 311 में ये सारे प्रोडक्ट्स मुझे मिले हैं, बट वेरी डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि उन्होंने मुझे तो सेम दे दिया है और बोल्ड नहीं दिया है मुझे उन्होंने तो। लेकिन कोई बात नहीं, तो अगर आप नेक्स्ट टाइम परचेज करें इस टाइप के सेल में कोई चीज़ें, तो इस वीडियो के देखने के बाद आप सोच ले कि आपको परचेज करना है या नहीं करना है, क्योंकि मैं इसे सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें पता नहीं होता है कि ये ओरिजिनल है या फेक है। कई बार ऐसा होता है कि जो हम अपने लोकल शॉप वगैरह से भी इस टाइप के प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेते हैं, बट वो हमें ओरिजिनल की तरह दिखता है, बट वो एक्चुअली में ओरिजिनल होता नहीं है। तो हमें पता नहीं है कि वो प्रोडक्ट ओरिजिनल है, जेन्युइन प्रोडक्ट है या फेक प्रोडक्ट है। तो इस तरीके की चीज़ें हमें ज़्यादातर ब्रांडेड, लाइक अगर हमने लॉरियल का
प्रोडक्ट खरीदना है तो हम लॉरियल के ही वहाँ से जाके खरीदे, लैक्मे के तो प्रॉपर लैक्मे की चीज़ें वहाँ से खरीदे। तो इस टाइप से क्या होता है कि हमें एक जेन्युइन प्रोडक्ट मिलती है और हम सही गलत प्रोडक्ट यूज़ करने से भी बच जाते हैं। वैसे अगर हम फेक प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो हमारे आइज़ के लिए भी बहुत हार्मफुल होता है, तो हमें इसलिए भी कॉन्शियस होनी चाहिए। जो चीज़ें हमें अपने फेस पे, हमें अपने हेयर्स पे, इस टाइप की चीज़ें जो हमें यूज़ करनी होती है, हमें बहुत सोच समझ के यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं हमारे अगर साइड इफ़ेक्ट्स हो गया तो वो हमारे चेहरे के ऊपर, हमारे बालों के ऊपर देखने को मिल सकता है। हर जो कि हो सकता है कि कई बार कुछ गलत उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर, हमारे बॉडी के ऊपर पड़ सकता है, इसलिए हमें हमेशा जेन्युइन प्रोडक्ट के ही तरफ चलना चाहिए। तो चलिए, ये था, मैंने क्या अनबॉक्स किया आपके सामने अपने स्नैपडील का प्रोडक्ट, तो कोई बात नहीं। और ऐसे मेरे वीडियो को देखते देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ले, और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और ऑल्सो हाँ, एक और बात, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि जैसे ही मैं अपने वीडियोस डालूँगी, आप नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा। तो हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। थैंक यू।